दोस्तों, एटीएफई टेक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं आप लोग रेडमी नोट 9 प्रो को बूटलोडर अनलॉक कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं लैपटॉप का स्क्रीन पर, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, आप लोग अगर अनलॉक कोड को पहले डाउनलोड नहीं किया है तो मैं वीडियो का नीचे उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसका बाद ओपन करके यहाँ पे जो बेस्ट अनलॉक है उसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसको जब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइन इन का ऑप्शन जो है इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों साइन इन का ऑप्शन हो गया है। यहाँ पे आप लोग दो तरीके से साइन इन हो सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके और यहाँ से क्यूआर कोड की मदद से। हम अभी क्यूआर कोड से यहाँ पे लॉग इन करूंगा, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। इसका क्यूआर कोड ओपन होने तक आप लोग अपना मोबाइल का सेटिंग पे चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद एमआई अकाउंट जो है उसका ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रीनिंग का सिंबल है उसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका लैपटॉप में जो क्यूआर कोड है इसको स्क्रीनिंग कर दीजिए। स्क्रीनिंग करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे साइन इन कर दीजिए और ओके दबा दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये साइन इन हो गया है। अभी क्या करना है दोस्तों, आपका मोबाइल को फास्टबूट मोड में लाना है। फास्टबूट मोड में लाने के लिए आपका मोबाइल को पहले ऑफ करना है, उसका बाद दोस्तों आपका वॉल्यूम डाउन और पावर दोनों की एक साथ दबा के रखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फास्टबूट मोड में आ गया है। अभी क्या करना है आपको, अच्छा यूएसबी केबल से इसको कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए अनलॉक का जो F6 है इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये शुरू हो गया है अनलॉक का प्रोसेस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनलॉक हो गया है, उसका डिवाइस भी चला गया है। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से Redmi Note 9 Pro का जो अनलॉक है उसको बूटलोडर अनलॉक कर सकते हैं।